नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रायपुर में समाज कल्याण विभाग में करोड़ों की अनियमितता का खुलासा हुआ। ये गड़बड़ी कोष लेखा की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई। पूरा मामला मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से जुड़ा है, जिसके नाम पर समाज कल्याण विभाग के संचालक ने साल 2013 से 2015 तक IRCTC को 107.50 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया, जिससे विभाग को करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं यात्रियों का बीमा नहीं करने और करीब 10 करोड़ रुपए की हेरफेर की जानकारी भी सामने आई है। इस बारे में पूछने पर समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक पंकज वर्मा ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, गबन नहीं है ये। हजारों करोड़ जो रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और उसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही होनी है या जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ज्यादा भुगतान वो आप लोग उससे देख रहे होंगे, लेकिन ज्यादा भुगतान नहीं हुआ। जो कलेक्टर की डिमांड आती है, जो जिले से डिमांड आती है, उसके आधार पे यहाँ से। और आपको बता दें कि कल्याण विभाग में करोड़ों की अनियमितता का खुलासा हुआ है। अधिक जानकारी के साथ सत्य राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। सत्य, यहाँ पर कल्याण विभाग में करोड़ों की अनियमितता का खुलासा हुआ, हालांकि अभी तक वो ये नहीं कह रहे हैं जो भी अधिकारी बैठे हुए थे कि जिस तरीके से मामले की जांच की जा रही है, हो सकता है कि हेरफेर हुआ हो, लेकिन फिर भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल सत्य, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज वर्मा, जुड़ गए हमारे साथ सहायक संचालक स्वराज एक्सप्रेस में। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए कि ये जो गड़बड़ी का मामला सामने आया है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के दौरान ज्यादा पेमेंट करने की बात का जिक्र किया जा रहा है, ये गड़बड़ी वाकई में हुई है या फिर अभी इसके आसार ही नजर आ रहे हैं कि शायद रिपोर्ट आने के बाद, जो ऑडिट हुई है उसकी रिपोर्ट पूरी जांचने के बाद ही क्लियर होगा? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। इस जो बातें कर रहे हैं उसको लोगों को तथ्य का ज्ञान नहीं है और उसमें हम लोग जांच भी करा लिए हैं, तो इस तरह की कोई बात उसमें नहीं है। तो पंकज जी, अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कुछ तो कुछ होगा। नहीं, अब वो तो आप लोग बताएंगे ना भाई, लेकिन हमारे हिसाब से तो उस तरह से कोई एक्सेस पेमेंट नहीं हुआ है। जो ज्यादा पेमेंट की बात की जा रही है वो ज्यादा पेमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ है। और पंकज जी, जो और गड़बड़ियां सामने आ रही है कि यहाँ पर जो यात्री गए थे उनका जो बीमा कराया जाता वो भी नहीं कराया गया? नहीं, बीमा है, बीमा IRCTC कराता है उसको। और एडवांस पेमेंट जो कराया जाता वो किसके द्वारा कराया जाता है? एडवांस में क्या उसमें रकम ज्यादा दी गई? नहीं दी गई। चलिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे साथ चलिए जानकारी के लिए पंकज जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ सत्य जुड़े हुए हैं, राजपूत संवाददाता। सत्य, जिस तरीके से देखा जाए, सहायक संचालक के द्वारा कहा जा रहा है, बिल्कुल नकार दिया गया कि नहीं, ना ही ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है, ना ही उन्हें बिना बीमे के यात्रा कराई गई है, और पेमेंट में भी कुछ ज्यादा पेमेंट नहीं हुआ। सच्चाई कहां तक है? जी बिल्कुल दीपक, ये बता दें कि ये मामला 4 महीने पहले उठा था, उसके बाद इसमें कोष लेखा विभाग ने, संचालनालय ने इससे ऑडिट किया, उसके बाद रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों करोड़ यहाँ पे एडवांस में भुगतान, अग्रिम भुगतान किया गया है। रिपोर्ट आपके दस्तावेज आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं और उनके बाइक भी आपके अभी आपने कुछ ही देर पहले चलाया है। और इसमें इस तरह की, इसमें अग्रिम भुगतान की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में 582 करोड़ का पहले किस्त में एडवांस में भुगतान किया गया था, उसके बाद 116 करोड़ का फिर एडवांस में भुगतान किया गया था, जिससे 5.90 करोड़ के ब्याज की हानि हुई है। ठीक इसी तरह 117 करोड़ का फिर भुगतान किया गया था, जबकि उसमें 52.65 करोड़ पहले से जमा था। तो इस तरह भुगतान की बात ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है, लेकिन जो अधिकारी हैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट आया है उसको अभी हम पढ़ रहे हैं, उसका संज्ञान में ले रहे हैं, उसके ऑडिट के रिपोर्ट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसमें जो अनियमितताएं, जो संभावित गबन की बात ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है, उसको नकार रहे हैं। बिल्कुल सत्य, ये तो ऑडिट रिपोर्ट पूरी क्लियर हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर गड़बड़ी या फिर घोटाला आखिर कहाँ हुआ या नहीं हुआ। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।